किस तरीके से बनाते हैं अब अरहर की दाल, तो चलिए एक नए तरीके से बना लेते हैं आज। तो हमने पहले तो अरहर की दाल को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसमें एक टमाटर बीच में से कट करके ऐड कर दिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 कली हमने लहसुन की ऐड की है, उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर दी है और थोड़े से मटर ऐड किए। इसके बाद हमने ले लिया है मेथी, जिसे अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद बारीक काट लेंगे इस तरीके से, और इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। और अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 गिलास भरकर पानी। हमें इसमें इतना पानी रखना है कि ये जो हमने सारी सब्जियां डाली हैं वो अच्छे से डूब जाएं। तो 2 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है। टेस्ट के अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे इसमें, हींग ऐड कर देंगे। अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और ये है 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें घी ऐड कर दिया है, जिससे इसका दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा सा हमने तेल भी ऐड किया है, जिससे कि हमारी दाल जो है वह ऊपर की तरफ उफनेगी नहीं। तो अब हम लगा देते हैं कुकर की लीड और ले लेते हैं हम हाई फ्लेम पर 2 विसिल। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमारी जो दाल है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो हम इसमें मिला देते हैं 1 गिलास और पानी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की दाल खाना पसंद करते हैं, गाढ़ी या पतली। तो चलिए इसके लिए तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने ले लिया है सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है, उसके बाद इसमें हींग, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी और ये कुछ कली हमने लहसुन की ऐड की हुई है। जब ये अच्छे से भून जाए, 1 मिनट तक भून लेंगे हम। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये जो हमने उसमें दाल में अदरक डाला हुआ था उसे निकाल कर इसे कद्दूकस कर लिया, उसे ऐड कर लिया है। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी उसे ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हमने 2 हरी मिर्च ले ली, जिसे बीच में से काट कर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वह हल्का सा चेंज हो गया है, गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसे भी डालकर अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। तो हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है हरा धनिया और इसे भी लगभग 30 सेकेंड तक इसी तरीके से हम मिला लेंगे। तो लीजिए हमारा तड़का तो बनकर बिल्कुल तैयार है। चलते हैं अपनी दाल की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वह पहले बहुत गाढ़ी थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने उबाल दिया है। ये अब थोड़ी सी पतली हो गई है, तो अब हम इसमें लगा देंगे हमारा बनाया हुआ जो हमने तड़का है वह, इसे ऐड कर देंगे और इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से जो दाल बनती है वो बहुत झटपट भी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत झटपट और बहुत जल्दी बनेगी। और इस तरीके की दाल बनाना बहुत ही आसान है, तो अरहर की दाल इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो ये अरहर दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे कर लेते हैं सर्व। तो लीजिए हमारी दाल हो गई है सर्व। और ये जीरा राइस या प्लेन रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।